जय माँ काली, जय काल भैरव। सो आज का टॉपिक है आज शाम के वक्त की उनकी दिल की बातें। ठीक है, हम कर रहे हैं रीडिंग और हमारे सामने हैं तीन ऑब्जेक्ट। दो हमने लिए हैं टैरो और एक हमने लिया है ब्लू रिलेशनशिप ओरेकल। चलो करते हैं सीधा रीडिंग की तरफ रुख और देखते हैं कि हमें कार्ड्स क्या बताते हैं। ठीक है, नए हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि हम ऐसे ढेर सारे वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। ठीक है, तो अब करते हैं हम सीधा हमारे टैरो की तरफ रुख। ये हमने लिया है टैरो और अब करते हैं इसके साथ शफलें। ठीक है, कार्ड शफल हो रहे हैं, तब तक आप देख लीजिए कि ये कार्ड क्या क्या आ सकते हैं, आपका इंट्यूशन भी टेस्ट हो जाएगा। सबसे पहला कार्ड जो आ चुका है वो है यस, दिस इज ऑल अबाउट दी वॉन्ट्स। ठीक है, यहाँ पे हमें नाइट ऑफ वॉन्ट्स मिला है और अगर हम बात करते हैं दूसरे कार्ड की वो आ गया है डेथ, यानी कि स्कॉर्पियो का साइन। ठीक है, दो कार्ड्स हमें मिल चुके हैं। थर्ड कार्ड जो आ चुका है वो है एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो एक नाइट हमें मिल चुका है और एक मेजर अरकाना। नाइन ऑफ वॉन्ट्स एरीज व्यू साज का ये कार्ड। ठीक है, बहुत ही खूबसूरत दिखता है ये कार्ड। एंड जो नेक्स्ट कार्ड है वो है फोर ऑफ वॉन्ट्स, सबका मोस्टली फेवरेट कार्ड। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिया है। अब देखते हैं कि दूसरा टैरो जो है वो हमें क्या क्लेरिफायर्स देता है। ठीक है, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। ये है थोड़ा सा बड़ा टैरो और अब देखते हैं कार्ड्स हमें क्या कहते हैं। सबसे पहला कार्ड जो है वो है फोर ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। सेकेंड जो कार्ड हमें मिला है वो है सेवन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सर्ज का ये कार्ड। एस ऑफ पेंटिकल्स के लिए अगर हम देखते हैं तो कार्ड आ चुका है द एम्परर, एरीज। ठीक है, फिर अगर हम देखते हैं नाइन ऑफ वॉन्ड्स के नीचे जो कार्ड आ चुका है वो है नाइन ऑफ पेंटिकल्स, दोनों ही नौ नौ नंबर। एंड फाइनली फोर ऑफ वॉन्ड्स के नीचे जो कार्ड आ चुका है वो है द स्टार। ठीक है, तो आप डायरेक्टली इस कार्ड के लिए सेकंड वाला जो टैरो है वो एज अ क्लेरिफायर ले सकते हैं या फिर सिर्फ ये लाइन एक अलग ही तरीका क्लेरिफायर करके आप महसूस कर सकते हैं। तो अगर हम देखते हैं इन सारे कार्ड्स को तो हमें क्या बातें दिखती हैं, चलो जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले जो हम यहाँ पे जान सकते हैं वो ये है कि शुरुआत हो चुकी है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स है जिसके साथ आ चुका है ये डेथ, यानी कि स्कॉर्पियो का कार्ड। अगर हम इसको कनेक्ट करें, कोरिलेट करें तो कह सकते हैं कि देखो इस व्यक्ति को ना कुछ जिम्मेदारियों का एहसास हो रहा है और लग रहा है कि भाई हाँ कुछ हद तक ना मुझे मुझमें चेंजेस लाने की ज़रूरत है और किसी बात को लेकर जो एक डर मन में बैठा था उसे निकालने की ज़रूरत है। आई थिंक ये व्यक्ति किसी चीज़ से घबराया हुआ था कि कहीं इनके किसी कारण से आपको चोट ना पहुँचे, कहीं इनके वजह से कोई आपको भला बुरा ना कह दे। ठीक है, इन्होंने अगर कुछ ऐसा कहा तो आप बुरा ना मान लें, इन्होंने कुछ वैसा किया तो आप गलतफहमी का शिकार ना हो जाए। तो आई थिंक बहुत से विचार जो है वो इनके दिल और दिमाग में दौड़ रहे हैं और जो उनका मेन कंसर्न है, मेन पॉइंट है वो ये है कि आप इनके हर बात पे रिस्पॉन्ड कैसे कर रहे हो। इनको नहीं पता कि आप या तो इनसे मतलब इतना प्यार करते हो क्योंकि किसी भी बात का आपके ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट होगा ही नहीं, बट कहीं ना कहीं अब जो थोड़ा सा डर है वो इनके मन में बैठ रहा है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे है देखो नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी एंड यहाँ पे है डायरेक्टली एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। ठीक है, तो अर्थ साइन, यहाँ पे है फायर साइन एंड यहाँ पे आ गया है स्कॉर्पियो बीच में। ठीक है, तो देखो जब डेथ का कार्ड आता है तो हम कहते हैं कि किसी बात का एहसास बहुत ज़्यादा दिल के करीब होता है। ठीक है, यहाँ पे इस व्यक्ति को लग रहा है कि भी कहीं ऐसा ना हो कि मैंने आपको फिलहाल समझने में गलती कर दी। शायद आजकल आप बहुत सेंसिटिव बन चुके हो या फिर किसी कारण से ना आपका जो दिल है वो छोटी छोटी बातों का भी विचार करने लगा है। ठीक है, अब जब ये इसके बारे में सोचते हैं तुमको लग रहा है कि नहीं भाई मुझे जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए आप तक पहुंचने के, भाई मैंने जो मुंह में आ गया वो बोल दिया, लेकिन अब ये क्या सोच रहा है कि भाई अगर आपका जो ये इशू है या फिर अगर ये परेशानी है वो अगर रिजॉल्व करनी है तो मुझे सही तरीके से आगे बढ़ना पड़ेगा, मुझे एग्जैक्टली मेरे हर बात को प्लान आउट करना पड़ेगा। सेकेंडली अपने बारे में सोच रहे हैं कि क्या जो इन्होंने प्लान्स बनाए हैं वो वैसे ही आगे जा रहे हैं, क्योंकि डेथ का कार्ड है तो हम कह सकते हैं कि भाई कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें थोड़े बहुत चेंजेस दिख रहे हैं, मतलब जो आसार उनको लग रहे थे कि स्ट्रेट लाइन है उसमें अब हमें थोड़े से इश्यूज दिख रहे हैं।
नेक्स्ट अगर हम कार्ड देखते हैं यहाँ पे, तो हमें कार्ड्स मिले हैं जो कि है 9 of Wands की एनर्जी एंड साथ में है 4 of Wands। देखो इतना तो इन्होंने जान लिया है कि चाहे जो भी हो जाए आप इनका साथ नहीं छोड़ने वाले, ठीक है। एंड ये बस इसी बात की तमन्ना दिल में रखे हुए हैं कि मुझे एंड तक जाना है, ये रिश्ता मैंने सिर्फ कुछ समय के लिए नहीं लिया, मुझे इस रिश्ते में वो सब चाहिए, वो खुशियाँ चाहिए, वो हैप्पीनेस चाहिए जो हम दोनों डिजर्व करते हो। 9 of Wands की जो एनर्जी है कि बहुत समय बिता दिया है एंड आई थिंक इनको लग रहा है कि आपने इनके नखरे बहुत सहे हैं। हाँ आप इनके बारे में भी कह सकते हैं कि इन्होंने भी आपके नखरे सहे हैं, बट ये चीज़ काफ़ी बढ़िया है। जो कपल एक दूसरे को अंडरस्टैंड करता है, एक दूसरे को समझता है कि भाई हाँ तुमने ये किया तो कोई बात नहीं, हम भी गलती करते हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे देखनी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप दोनों के बीच में ये तालमेल सही बैठा है, यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स मतलब चीज़ें सही हो रही है, और यहाँ पे अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है कि आप दोनों ना एक दूसरे के लिए हमेशा एडजस्ट होते रहते हो, ठीक है। मतलब ये नहीं कि भाई मैं ऐसे ही रहूँगी या फिर मैं ऐसे ही रहूँगा, आप दोनों ही कह रहे हो कि चलो अगर थोड़ा बहुत हम अपने आप को सुधार ले, थोड़ा बहुत चेंज कर ले अपने आप में, तो कोई बड़ी बात नहीं है, और ये चीज़ हमें यहाँ पे अच्छी खासी दिखती है। अगर हम बात करते हैं सेकंड टैरो की, तो यहाँ पे हमें कुछ कार्ड्स मिले हैं 4 of Pentacles एंड सेकंड जो है वो है 7 of Wands की एनर्जी। देखो यहाँ पे है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, यहाँ पे है एरीज, लियो, सैज, मतलब अर्थ साइन, फायर साइन। देखो इस व्यक्ति के लिए ना सबसे जरूरी बात यह है कि अभी फिलहाल जो चल रहा है, ठीक है, उसे इस तरीके से समझना कि इनके वजह से अब कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट आपके ऊपर ना आ जाए, ठीक है। जो हमने पहले रो में देखा था कि भाई आप इनका कोई भी प्रेशर अपने दिल के ऊपर ना ले, तो एक वही कह रहे हैं कि अगर सब कुछ बढ़िया चल रहा है तो मुझे बढ़िया ही चलने देना है, या फिर अगर इनकी वजह से कोई प्रेशर बिल्डअप हो रहा है तो बस अब और नहीं, अब इनके कारण से आप प्रेशर फील नहीं करेंगे, ये उनका पहला कहना है। सेकंड जो है वो है 7 of Wands। देखो ये पर्सन कह रहा है कि मैं तो हमेशा लाइट ढूंढ रहा हूँ, जैसे कि हम यहाँ पे लाइट देखती हैं, बट यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी है कि मान लो कि कहीं ना कहीं से ना कुछ लोग जो है आपके या तो कान भर रहे हैं, या तो आप दोनों के खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई कर रहे हैं, या फिर अगर हम कहें कि एनर्जी जो है आप महसूस करते हो, कई बार आप बीमार पड़ते हो, कई बार ये बीमार पड़ते हैं, तो ये अगर रोकना है ना तो हम दोनों का साथ बहुत ही स्ट्रांग होना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। वही बात ये कह रहे हैं यहाँ पे कि स्ट्रांग नेचर, स्ट्रांग पावर की यहाँ पे सख्त ज़रूरत है। अगर हम 3 कार्ड देखें तो यहाँ पे है दी एम्परर, यहाँ पे है 9 of Pentacles एंड यहाँ पे है द स्टार। 2 major अरकाना आ चुके हैं, मतलब एरीज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन और यहाँ पे है एक्वेरियस, ठीक है। भाई जो तालमेल यहाँ पे बैठ रहे हैं, इनको लग रहा है कि अब इस व्यक्ति को ना मतलब लीड रोल लेने की ज़रूरत है। पहले शायद वो आपके साथ मतलब बहुत नरमी से पेश आ सकते हैं और कहते हैं कि भाई जो जी मियाँ आप कर सकते हो, बट अब इनको लग रहा है कि भाई कुछ अगर ऐसी बातें हो रही है कि आपको परेशानी हो रही, तो इन बातों को ना इस व्यक्ति को हैंडल करना पड़ेगा। तो ऐसे जो लोग हैं जो आपको भी तकलीफ दे रहे हैं, इनको भी तकलीफ दे रहे हैं, अब इनसे ये बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रिक्ट बन के डील कर सकते हैं। देखो यहाँ पे 9 of Pentacles और यहाँ पे इनको पता लगाया और समझ में आ गया कि भाई मेरी खुशी ये मेरी खुशी है और बहुत कम लोग हैं जो मेरी खुशी में अपनी खुशी मानते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो कुछ दोस्त हैं, हम कई बार कहते हैं कि ये मेरा भी दोस्त है तो इसकी खुशी मेरी खुशी है, बट क्या असल में ऐसा होता है? कई लोग किसी के खुशी से जलते हैं या फिर कई लोगों के मन में ईर्ष्या उत्पन्न होती है, ठीक है। तो जितना हम ऐसे लोगों का हमारे करीब रखते हैं उतना हमारा ही नुकसान होता है, और यही भी एक पर्सन कह रहे हैं कि भाई मेरी जो खुशी है उसे मुझे ही बरकरार रखने की कोशिश करनी पड़ेगी, और इसलिए यहाँ पर है द स्टार। देखो इस व्यक्ति के प्लान्स हैं और ये अपने प्लान को आगे बढ़ा रहा है, ठीक है। ये आपको कह रहा है कि भाई आप बस मेरा साथ दो, और अगर आप मेरा साथ दे रहे हो 4 of Pentacles तो सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, हमें फिर ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस हम एक दूसरे का साथ निभाते रहें। एंड अगेन हम पहले भी रीडिंग को अगर कनेक्ट करें तो देखो यहाँ पे है 4 of Wands की एनर्जी, बैक आती है 9 of Wands की तरफ कि भाई मुझे रश नहीं करना है, मुझे ध्यान से आगे बढ़ना है, बिकॉज मेरा जो एंड पॉइंट है वो है कि मुझे सब खुशियाँ चाहिए, ठीक है। तो हमारे दोनों ही टैरो के रीडिंग हैं वो एग्जैक्टली अभी यहाँ पे मैच हो रहे हैं दोनों के टैरो के टेक। अब देखते हैं ब्लू रिलेशनशिप ओरेकल से हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं, ठीक है।
देखो यहाँ पे है सरप्राइज, तो ये पर्सन जो है वो कुछ सरप्राइज एलिमेंट आपके सामने प्रस्तुत कर सकते हैं जो कि आपको काफी बेहतर महसूस करा सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है वैल्यू, ठीक है। फिर है यहाँ पे एंगर, देखो इस व्यक्ति को ना गुस्सा बहुत जल्दी आता है, और अगर ऐसी बात है तो कह रहे कि भाई मेरे गुस्से की वजह आप नहीं हो, लेकिन मेरे गुस्से के कारण आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो अब ये वैल्यू के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, जो हमने कहा ना कि कुछ लोग हैं जो अगर वो इंटरफेयर कर रहे हैं तो क्यों वो इंटरफेयर कर रहे हैं, क्यों मेरी खुशी में दाग लगा रहे हैं, तो ऐसे में गुस्सा तो डेफिनेटली आएगा। यहाँ पे जो कार्ड आ गया वो है एंजॉय, ये है मिसअंडरस्टैंडिंग, ठीक है। यहाँ पे है ब्रेकअप एंड यहाँ पे है स्टक। देखो इस व्यक्ति को ना डर जो लग रहा है, जो हमने पहले देखा कि डर लग रहा है, वो ये है कि भाई मिसअंडरस्टैंडिंग के वजह से किसने आपके कान भर दिए, आपका इनके साथ ब्रेकअप ना हो जाए, आप इनके साथ बात करना बंद ना करें। और अगर खुद इन्होंने कभी ऐसा किया था कि इस गलतफहमी का शिकार हो चुके थे और आपसे बात करना बंद कर दिया था, तो अब ये महसूस कर रहे हैं कि ये अकेले पड़ चुके हैं, स्टक है, इनको यहाँ से बाहर निकालने वाला कोई नहीं, मतलब जिन्होंने इनके कान भरे थे अब वो भी नहीं आ रहे हैं, और जिसके कारण मतलब भाई इस व्यक्ति के कारण अगर आपका साथ अगर छूट गया था तो अब आप तक भी पहुंच नहीं सकते। तो यही उनको लग रहा है कि एक या तो ऐसा ना हो, और अगर ऐसा हो चुका है तो यहाँ पे स्टक है और इसलिए दोबारा सबके साथ वो रेजोनेट कनेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। सो इट विल रेजोनेट।